कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम जिले में जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिले के सभी नगरीय निकायों, शहरों और कस्बों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संचालकों, उनके कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस अनिवार्यता के तहत अब सभी छोटे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों व दुकानदारों को मास्क लगाना होगा। इसी तरह सभी ग्राहकों को मास्क लगाकर अंदर प्रवेश दिए जाएंगे। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संगठन और अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर कहा कि बिना मास्क लगाकर दुकान संचालन करने वाले और बिना मास्क के ग्राहकों को अपनी सामग्री बेचने वाले दुकानदारों, प्रतिष्ठान संचालकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए दुकान व प्रतिष्ठान सील किए जाएंगे। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि इसी तरह जिले के सभी नगरीय निकायों में बिना मास्क के सड़क पर अनावश्यक घूमने वालों व्यक्तियों पर भी विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभी जो फेस्टिवल सीजन और विंटर सीजन आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए और वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण का जो चल रहा है जिले में, उस पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से एक नया निर्देश सभी जारी किए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि किसी भी दुकानदार के द्वारा बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को कोई भी सामान का विक्रय नहीं किया जाएगा। साथ ही दुकान में जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो दुकान मालिक ही क्यों ना हो, लगातार मास्क लगाए रखेंगे और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करेंगे। सभी नगरीय निकाय के CMO को ये कहा गया है कि व्यापक रूप से इस निर्देश का प्रचार प्रसार किया जाए और कल से इसको एक अभियान के रूप में जो भी लोग, दुकानदार हो चाहे आम जनता हो, जो इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे या सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई किया जाए। यदि कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को वस्तुओं का विक्रय करते हुए पाया जाएगा तो उनको दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है और उन्होंने इस निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया है और साथ ही साथ सभी व्यापारी साथियों को इसमें सहयोग करने की अपील की है।